इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर का मरकज़ी कब्रिस्तान अंजुमन कब्रिस्तान में हम मौजूद हैं। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी, बेड नहीं है, अस्पतालों में जिस तरह से बुनियादी ज़रूरतों से महरूम होते मरीज़ और दम तोड़ती और टूटती सांसों को लेकर पीछे देख सकते हैं कि कई सारे कब्रों को पहले से ही खोद के रखा जा रहा है। बहुत सारे मौतें आज भी हो रही हैं, कल भी हुई थी, इससे पहले भी हुई। लिहाजा जो दूसरी सेकेंड वेव, दूसरी लहर जो कोरोना की है, उसमें हालात बड़े ही संजीदा होते जा रहे हैं। महज अंजुमन के कब्रिस्तान में ही नहीं बल्कि यहाँ करीब में सदाशिव नगर शमशान घाट में भी सैकड़ों चिताएँ जलाई जा रही हैं। अपनों को खोने का गम सभी को है, लेकिन कहीं पर इसका इलाज होता नज़र नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि पीछे कई सारे कब्रों को खोदा गया है। तकरीबन 25 से 30 के करीब फ़िलहाल इन कब्रों को तैयार रखा गया है, क्योंकि मरने वालों की तादाद भी बहुत है, उसकी रफ्तार भी तेज़ है और इजाफा हर रोज़ होता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी की किल्लत को महसूस किया जा रहा है। अंजुमन की जानिब से ऑक्सीजन सप्लाई जारी है, इसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि हालात संभलते नज़र नहीं आ रहे। वैसे तो हर रोज़ एक ही तस्वीर देखी जा रही है, जलती चिताएं, दफन होते लाशें। लिहाजा हम अंजुमन के इस कब्रिस्तान में हैं और हुकूमत तो इन आंकड़ों को छिपा रही है, क्योंकि कल अगर देखा जाए तो महज दो की मौतों का उन्होंने बताया था, लेकिन ये देखा जा रहा है कि कई गुना बहुत ज़्यादा जो है ये आंकड़ा है जो मरने वालों के। हमारे साथ अंजुमन की बरेली टीम यहाँ पर मौजूद है और वो अपनी जानों को जोखिम में डालकर इन कामों को अंजाम दे रहे हैं, खदमात को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सादिक पीरजादे साहब, उन्हें यहाँ पर ज़्यादा मालूम है। बताइए कि मौजूदा हालत क्या है किसके अंदर। अल्लाह अकबर। मामला तो बहुत संगीन है और हर रोज़ जो है इतने मैयतों का मामला इधर पेश आ रहा है कि काम करने वाले भी यहाँ कम पड़ रहे हैं, और जितने भी नौजवान हर मोहल्ले से और हर तंजीम से जो आकर यहाँ पर जो काम अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला उन्हें इतनी कुव्वत दिया है कि वो लोग आकर इतना काम यहाँ पर कर रहे हैं। मौतों के आंकड़े क्या है, किस कदर मौत है? हर रोज़ सुबह उठे तो कॉल आता है कि इसका इंतकाल हुआ है, उसका इंतकाल हुआ है, मेरे को इधर कब्र चाहिए, उधर कब्र चाहिए। हर रोज़ देख रहे हैं हम, सुबह से शाम तक तकरीबन 10 से 12 मौतें होती जाती है, और ये दो दिन में 24 घंटे के अंदर 20 से 22 मौतें हो गई है। अभी 5 या 6 तारीख में हम देख रहे हैं कि हम सुबह से लेकर हमारी पूरी बरेल टीम रात में 2 बजे 3 बजे, कभी बारिश होता है, बारिश के अंदर भी मैयत दफनाना इतना आसान नहीं होता। बारिश ऊपर से पड़ता है तो इतना मट्टी गीली होती है, चिक्कड़ होता है, तो मैयत दफनाना बहुत मुश्किल होता है। एक दो दिन कंटिन्यू बारिश पड़ा तो मैयत दफनाना हमारे को बहुत मुश्किल हुआ। फिर भी ऐसे इसमें हमारे सादिक भाई है, मुदस्सर भाई है, सुबानी है, और समीर भाई, मोहसिन भाई, अमजद भाई जो काम कर रहे हैं बरेल टीम के अंदर, इनके जो हमारे वर्कर जो काम कर रहे हैं इनकी तारीफ पे काबिल है। बहुत सारे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अब ये हमारे गोरखान रात में 2-3 बजे इनको कॉल आता है कि मैयत अभी का अभी दफनाने का है, घंटे भर में दफनाने का है। तो ऐसे टाइम में वो गोरखान की भी तारीफ करना कि उनके बेटा है और बाप बेटे दोनों हैं, काम कर रहे हैं बेचारे कब्रिस्तान में, रात दिन काम कर रहे, घर बार छोड़ के इधर ही पड़े रहते हैं, काम करते हैं। हर मोहल्ले से, हर नौजवान से एक अपील है कि अपने तरफ से जो है हर कोई मोबाइल लेकर यहाँ वहाँ की न्यूज़ें देख लेते, बैठने से बेहतर है कि ज़रा कब्रिस्तान की तरफ आकर अगर देखेंगे, यहाँ आने के बाद आप लोगों के इरादे पूरे बदल जाते हैं और इधर आकर क्या करना है और यहाँ क्या चल रहा है आपको पूरी खबर हो जाती है।
किसी भी बात पर बाहर कौन भी जो भी बोलता रहेगा कुछ भी करता है वो मामला में आप मत जाइए कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद सभी लोगों को हकीकत मालूम हो रही है और नौजवान जितने भी जो आ रहे हैं यहाँ से निकल नहीं रहे हैं, यहाँ सिर्फ काम अंजाम दे रहे हैं यहाँ के लोग। मेरी सबसे गुजारिश है बेलगाम वालों से, जमातों से और जो बड़े लोगों से कि अपने अपने मोहल्लों में जो बच्चे जो नौजवान बच्चे इधर उधर बैठे रहते हैं, कम से कम जो वॉब चल रहा है इनके लिए ये वॉब ख़त्म हो जाए। और जो काम कर रहे हैं इनके लिए, जो फ्रंट लाइन पे जो काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, जो बरेल में काम कर रहे हैं, कम से कम आप कुछ नहीं करें तो करें लेकिन इनके लिए दुआ करो कि इनकी तबीयत अच्छी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बाबूलाल और सादिक पीरजादे साहब। यकीनन ये काबिल तारीफ बात है कि जिस कदर आज की इस वबा के दौर में कोई रिश्तेदार की मैयत के लिए नहीं जा रहा, इयादत के लिए नहीं जा रहा, अस्पतालों में कोई तड़फ रहा है तो उनके लिए कोई ऑक्सीजन को लाने की कोशिश नहीं कर रहा, ऐसे कई लाशें हैं जिन्हें चिताएं तक देने के लिए उनकी औलादें आगे नहीं आ रही। ऐसे मुश्किल कुन दौर में भी, मुश्किल कुन हालात में भी यहाँ पर बरियल टीम है जो आगे बढ़ चढ़ कर इस तरह के कामों को अंजाम दे रही है। हम सभी को दुआ करना चाहिए कि ऐसे नौजवानों की इनकी हिम्मत को, इनके हौसले को सलाम, जो ऐसे बारिश में भी और तपती धूप में भी वो लाशों को यहाँ पर दफना रहे हैं। हर रोज़ यहाँ पर लाशें आ रही है, सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, आप यहाँ पर करीब में जो सदाशिव नगर का शमशान घाट है वहाँ पर भी सैकड़ों चिताएं जल रही हैं, जहाँ पर कोई जो है किसी का पुरसाने हाल नहीं है। ये नौबत है, ये मंजर है। कभी हम दूसरे रियासतों की हम तस्वीर देखा करते थे लेकिन बेलगाम में भी आज इस तरह के मंजर देखने पर हम मजबूर और बेबस हैं। अंजुमन कब्रिस्तान के बाद हम यहाँ सदाशिव नगर के शमशान घाट में पहुँचे हुए हैं। पीछे देख सकते हैं कि कितनी चिताएं जल रही हैं और ये चिताएं, जलती चिताएं इस बात की दलील है कि बेलगाम शहर में कुछ मामला ठीक नहीं है। लिहाजा इसके लिए कौन ज़िम्मेदार? ये जो जिंदगियां दम तोड़ रही हैं अस्पतालों में, घरों में, जहां पर भी ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, तो ये ज़रूरतों को हुकूमत पूरा करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। जिस तरह से हम दिगर शहरों का हम मंज़र देखते हैं, आज बेलगाम शहर में भी ये मंज़र देखने की नौबत आ चुकी है। देख सकते हैं कि आप पीछे चिताएँ एक के बाद एक जलाई जा रही हैं। पिछले दो तीन दिनों में कई एक चिताएँ जलने के यहाँ पर रजिस्टर में भी मौजूद है। लिहाजा इतनी तो बात सच है कि बेलगाम शहर में मौतों का तांडव चल रहा है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।